हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज़ दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक का 7th चैप्टर, जिसका नेम है फन विद टक्स पेंट। टक्स पेंट में फन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में आपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट के साथ फ़न किया था और उसमें खूब फ़न किया था, बहुत मज़े लिए थे। अभी हम टक्स पेंट में भी बहुत सारा फ़न करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, एवा हमसे क्या बताना चाह रही हैं ये देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, एवा बोल रही है कि ड्राइंग एंड कलरिंग इन एमएस पेंट वॉज ग्रेट फन। एमएस पेंट में ड्राइंग और कलरिंग करने में बड़ा ही मज़ा था। डू यू नो दैट देयर आर अदर ड्राइंग प्रोग्राम ऑल्सो। क्या आप जानते हैं कि दूसरे ड्राइंग प्रोग्राम भी होते हैं? वन सच प्रोग्राम इज टक्स पेंट। इसी तरह का एक प्रोग्राम है टक्स पेंट। सो स्टार्टिंग टक्स पेंट, टक्स पेंट को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, फर्स्टली स्टूडेंट्स ये जान लेते हैं। टू स्टार्ट टक्स पेंट फॉलो दिज स्टेप्स। निम्नलिखित स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। फर्स्टली हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता है, जैसे हमने एमएस पेंट ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक किया था। देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट बटन होता है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स, एक लिस्ट ओपन होगी, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें ऑल प्रोग्राम्स आएगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा। देन क्लिक ऑन टक्स पेंट। आफ्टर दैट आपके सामने टक्स पेंट से लिखा हुआ आएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। देन सेलेक्ट टक्स पेंट विंडोड ऑप्शन, और देन आपको करना होगा टक्स पेंट विंडोड ऑप्शन को यस। वहाँ टू ऑप्शन आएंगे, टक्स पेंट फुल स्क्रीन एंड टक्स पेंट विंडोड। सो आप इसमें टक्स पेंट विंडो ऑप्शन या फुल स्क्रीन, एनी वन ऑप्शन आप ओपन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, द टक्स पेंट टाइटल विंडो ओपन्स। टक्स पेंट की टाइटल विंडो इस तरह से ओपन हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये है हमारा टक्स पेंट की टाइटल विंडो, इसके अंदर ही पेंट किया जाएगा। सो यहाँ आपको हाउ टू ओपन, हाउ टू स्टार्ट टक्स पेंट ये समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द टक्स पेंट विंडो। टक्स पेंट विंडो में पार्ट कौन कौन से होते हैं? द मेन टक्स पेंट विंडो इज डिवाइडेड इंटू मैनी सेक्शंस। जो टक्स पेंट विंडो होती है वो काफ़ी सारे सेक्शंस में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट सेक्शन होता है, देखिए स्टूडेंट्स ये है टक्स पेंट विंडो, एंड इसमें फर्स्ट सेक्शन है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है कम्प्लीटली टूल बॉक्स, इसके अंदर टूल्स होते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है टूल्स। सो ये टूल बॉक्स होता है। एक होती है कलर प्लेट स्टूडेंट्स, यहाँ से हम कलर्स ले सकते हैं, ये कलर प्लेट का ऑप्शन आ जाता है। एंड ये आ जाता है ऑप्शन बॉक्स। स्टूडेंट्स यहाँ ऑप्शन बॉक्स खुल जाते हैं। ऑप्शन बॉक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम किसी टूल पर क्लिक करते हैं, ये टूल बॉक्स में जाके जब हम किसी भी टूल पर क्लिक करते हैं तो उसके ऑप्शन, सब ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम ऑप्शन बॉक्स। देन स्टूडेंट्स ये होता है अप एरो। जितने भी सब ऑप्शन खुलते हैं उन्हें ऊपर करने के लिए हम अप एरो का यूज़ करते हैं, और यदि हमें और देखने हैं, स्क्रॉल करना है इन्हें, तो हम डाउन एरो का यूज़ करते हैं। एंड स्टूडेंट्स ये होता है हमारा कम्प्लीटली हेल्प एरिया, यहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं। एंड ये एरिया जो होता है, जो ब्लैंक वाइट एरिया है, इसको हम बोलते हैं ड्राइंग एरिया ऑफ और कैनवास। जैसे हमने एमएस पेंट में वाइट एरिया को ड्राइंग एरिया या कैनवास ही बोलते हैं, सेम टक्स पेंट में भी इसी तरह से इसे बोला जाता है।